मॉर्निंग एवरीवन। तो आर डेट है 21st ऑफ जून। तो आज है इंटरनेशनल योगा डे। तो आज से फिर से हम रीस्टार्ट कर रहे हैं, बार बार रीस्टार्ट करते हैं, पर हिम्मत नहीं हारेंगे। जैसे जैसे टाइम मिलेगा शूट करेंगे, एडिट करेंगे। तो आज रणसा का वैक्सीनेशन भी लगने वाला है। अभी बात करें तो रणसा भी सो रहा है और ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा हमारा। ब्रेकफास्ट करके हम लोग जाएंगे। ब्रेकफास्ट में हम ओट्स बना रहे हैं, ओट्स की टिक्की। तो चलिए देखते हैं क्या क्या उसके अंदर चाहिए। चाहिए तो बहुत कुछ पर अभी है नहीं हमारे पास। तो यहाँ पे प्याज काट लिया है, हरी मिर्ची है और ये ओट्स है, ठीक है। थोड़ा सा तेल लिया है और इसमें तेल गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे हम तो इसी मस्टर्ड सीड्स राई, और ये सब उसमें डाल देंगे और मिक्स ओट्स उसमें डाल के हल्दी नमक मिर्ची बना के इसकी टिकिया बना लेंगे। तो बहुत सिंपल है। फिर टिकिया के ऊपर हम छोले डाल लेंगे। तो हरी मिर्ची प्याज डाल दिया था हमने, ओट्स भी इसमें डाल दिए हैं और ये अब इसको बाहर निकाल के अलग से फिर टिकिया बना लेंगे हम लोग। इसी में डाल दो और उसके अंदर थोड़ा सा दिखाओ तो सही। डाल दिया अब तो मैंने, अगले में दिखाना। ये चीज़ जो है मोज़रेला चीज़ है, गिराएंगे जी। आपको लग रहा होगा भाई चीज़ डालना है हेल्दी, कह सको चीज़ हेल्दी होता है। अगर हम न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन की बात करें तो 100 ग्राम में कैलरी है 374 और आपको प्रोटीन आ रहा है 25। तो यहाँ पर आप 20 ग्राम चीज़ ले सकते हैं एक बार में, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से इसके बीच में आप डाल सकते हो, चाहे तो साथ में टिके के साथ हो, जैसे टिके बने तो उस टाइम भी डाल सकते हैं। नहीं, सीखने में दिक्कत है, क्रिस्पी तो जाएगा ना। तो ऐसे इसको टिकिया बना लेना है और ब्राउन होने तक सेकना है, फिर इसको छोले डाल के खा लेंगे हम। तो हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है, ये छोले हो गए और इसमें 2 टिकिया मैं खाने वाला हूँ, एक पूजा खाने वाली है। तो खा के हमने देख लिया, बहुत टेस्टी है, आप ट्राई कर सकते हैं। वेलकम बैक अगेन गाइस। सो अब हम जा रहे हैं रणसा के लिए, रणसा का वैक्सीनेशन कराने। रणसा नाच तो दिखा दे एक बार। तो आज रणसा का वैक्सीनेशन है, तो रणसा की सुई लग गई है। अब रणसा जाएगा नानी के यहाँ पे, नानी के जाएगा ना, फिर नानी के जाके हनु उन्नू करेगा। और डॉक्टर ने बोला उसको बुखार आएगा बेटा तेरे को, तो बुखार आएगा तो है? तो फाइनली आज हम बाल कटाने जा रहे हैं, दाढ़ी बनाने वाले हैं। तो अभी ये हालत है, बड़ी बड़ी दाढ़ी और बाल अभी सब कट जाएंगे और फिर देखते हैं आफ्टर बिफोर बनेगा इसका, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी पूरे चेहरे की, अभी पूरे फेस पे बाल ही बाल हैं। वेलकम अगेन गाइस। तो फाइनली मेरा हेयर कट हो चुका है, काफ़ी छोटे करवाए हैं मैंने पहले से तो बाल, फिर भी बियर्ड थोड़ी बड़ी रखी है क्योंकि अभी फेस बड़ा है तो फिर मैं और ज़्यादा मोटा लगूंगा। बट अभी स्टार्ट कर दिया है मैंने डाइट और वर्कआउट थोड़ा थोड़ा, तो 2-3 महीने में कम हो जाएगा वेट। तो चलिए अब रणसा को उसकी नानी के यहाँ लेने जाते हैं, फिर 4:30 से क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो फिर क्लास लेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, फटाफट से जाते हैं। ये रणसा को डांस आ रहा है क्लास 12 में, एक तो जोड़ेगा क्लास। रणसा इधर देख के करो डांस, इधर कमिंग इन गाइस। तो आर डेट है 22 ऑफ जून। तो ब्रेकफास्ट में हमने पोहा कर लिया था, थोड़ा सा रणसा के लगा, पर रणसा उठा था फिर सोए में दूसरी के सो गया। लंच में दाल चावल हमने भिगो दिए हैं, तो पूजा ऑफिस गई हुई है तो मैं फटाफट से दाल बना लेता हूँ और ट्राई करूँगा चावल बना लूँ। बट उम्मीद है कि रणसा अभी थोड़ी देर और सो लेगा, अगर 15-20 मिनट जोर सो लेता है तो हम इजीली दाल बना लेंगे। रणसा को एक बार देख के आते हैं, बड़ी तो उठो है उठ गए हैं, राम राम करो सबको। तो रणसा सोने वाला तो है नहीं, तो मैं आ जा बाहर, आ जा साथ में खाना बनाएंगे, फटाफट आ जा।
रोते थोड़ी है, आ जा फटाफट। अच्छा बच्चे हो, फटाफट बाहर आ जा, फटाफट से देख तेको दाल बनाना सिखाता हूँ मैं। बेटा रोते थोड़ी है ऐसे यार, फटाफट बाहर आ जा। आज और तेरी ने पिट्टी कर दी, और तेरी आज। अरे नहीं भाई, ये लो। आपने अम्मा को जजे नहीं करी ना आज, अम्मा को जजे करो, अम्मा को जजे करो। अरे रोते थोड़ी है, बेटा सर देख, तू बड़ा होके देखेगा ना ये वीडियो, हैं? बड़ा होके वीडियो देखेगा, बोले पापा मैं तो रोता था ऐसे, हैं? चल जजे कर ले, जजे भी नहीं करी ना आज तो। मम्मी आएगी जरा, पता ये ले प्याज, रणसा रणसा ले प्याज, ले फटाफट ले, ये ले फटाफट, मैं काट रहा हूँ देख। रणसा को सबसे ज्यादा प्याज पसंद है, तो सबसे पहले प्याज काट के इसको देते हैं। तो हमारी दाल उबल चुकी है, प्याज हमारे कट चुके हैं, मिर्ची मैं वहीं पे काटूंगा क्योंकि भी हाथ में मिर्ची लग जाएगी, ये उतर नहीं रहा दूर से, तो हाथों कैंची से उसमें कढ़ाई में काट देंगे। तो दाल हमारी रेडी है और चावल भी बनने के लिए तैयार है, मतलब बनने वाले हैं, दो से तीन सिटी में रेडी हुई है। अब रणसा को देख लेते हैं, बहुत रोली आई है। क्या हुआ बेटा, अच्छा रोते हैं बेटा यार, हैं काम। अरे भाई इधर से खोल देते, आ जा फटाफट, आ जा। अरे जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, फटाफट आ जा। नहीं रोना नहीं, खेलेंगे नहीं फिर अपन साथ में। अरे यार अब जरूरत थोड़ी है, आपको तो आता है निकलना, आ जा। तो रणसा की मम्मी आ चुकी है, पापा और रणसा मम्मी को भू करें, कैसे करेंगे एक तो उसको पार्किंग लगाने में एक घंटा लगता है यार, ये अलग ही पूरी टांग की स्थिति से करता है। और हमारा प्लान चौपड़ कर दिया रणसा ने। वेलकम बैक एवरीवन। तो टाइम हो रहा है शाम के, मतलब दिन के 3:30, और रणसा को नहला धोला के रेडी कर दिया है, और रणसा को लेके मैं पापा के यहाँ जा रहा हूँ, थोड़ी देर रणसा को पापा के यहाँ छोड़ेंगे। और वैसे तो जिम 4 बजे बंद हो जाते हैं, तो मात्र 10-15 मिनट के लिए, मतलब एक स्टार्ट के लिए कि वापस से वर्कआउट स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जिम जाके आज वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। जय गणेश जय।